नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिपवाई फार्मा, जिसका एग्जाम 26/4/2023 को हुआ है, उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने सेट वन अपलोड किया है, अभी ये सेट टू है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर दोनों वीडियो देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन याद आए या कोई भी क्वेश्चन में गलती लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इंक्रीज्ड हार्ट रेट इज नोन एज ब्रेडिकार्डिया, टेकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, डायबिटीज। तो इंक्रीज्ड हार्ट रेट को कहते हैं हम टेकीकार्डिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये ब्रेडिकार्डिया जो है ये डिक्रीज्ड हार्ट रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आर लाइसिन, मेथियोनिन, वैलिन, सिस्टीन। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं सिस्टीन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों जो हैं लाइसिन, मेथियोनिन एंड वैलिन, ये होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ च्यूएबल टैबलेट बाय वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, फ्रीज ड्राइंग, नन। तो च्यूएबल टैबलेट को बनाया जाता है वेट ग्रेनुलेशन से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ब्लड कंपोनेंट्स हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन लंग्स, ब्लड एंड टिश्यू। ऑप्शंस थे लिकोसाइट, लिम्फोसाइट, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी। तो ये होता है इरिथ्रोसाइट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इरिथ्रोसाइट को ही हम आरबीसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जेरेमी लाल रिनुंगा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ये है वेट लिफ्टिंग करते हैं जेरेमी लाल रिनुंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप हेल्ड एट रसिया, ब्राजील, इंडिया, जापान। तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ था इंडिया में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये इंडिया के ओडिशा स्टेट में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल यूज फॉर ह्यूमन इज 0, 5, 000, 10। तो लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल होता है 000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो 5 नंबर होता है ये होता है स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल यूज फॉर ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, केमिकल यूज फॉर प्रिवेंट ह्यूमन टिश्यू फ्रॉम स्पॉइल इज। इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम पेरोक्साइड। और भी कुछ ऑप्शंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कार्मिनेटिव रिलेटेड क्वेश्चन था एक, जिसका मेरे हिसाब से पिपरमिंट होना चाहिए इसका सॉल्यूशन, बट अगर आपको कहीं गलती लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, टू डिसइंटीग्रेट द टैबलेट इन इंटेस्टाइन फॉर रिलीजिंग द मेडिकामेंट विच इज यूज्ड, स्वीटनिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट। तो इसके लिए यूज किया जाता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट या डिसइंटीग्रेटर को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जिंक ऑक्साइड इज स्टरलाइज्ड बाय। दोस्तों इसका आंसर आपको खुद देना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूं इसके एग्जाम्पल आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ह्यूमन टिश्यू इज स्टरलाइज्ड बाय। इसका सही आंसर हो जाएगा गामा रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मुंबई, पुणे, नागपुर, रत्नागिरी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नागपुर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन था, इफ टू अदर ब्रांडेड ड्रग हैविंग सम सेम थेरेप्यूटिक वैल्यू दिस ड्रग इज कॉल्ड एज। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक आइडम्स था, टू कैच वंस आई, इसका क्या मीनिंग है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नोटिस्ड बाय समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रोप्राइटरी मेडिसिन इज आल्सो नोन एज। तो प्रोप्राइटरी मेडिसिन को हम कहते हैं ब्रांडेड ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइटर ऑफ बुक व्हाइट टाइगर इज हु वॉन द 2008 मैन बुकर प्राइज।
तो व्हाइट टाइगर जो बुक है इसके लेखक कौन थे जिसको मैन बुकर प्राइज मिला है? ये है अरविंद अडिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज, कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन को कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट होता है द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक क्वेश्चन और था, कार्ल फिशर रिएजेंट यूज्ड फॉर, इसका भी आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद हो या फिर किसी भी क्वेश्चन में परेशानी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप हमारे सारे वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।